बसपा सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के द्वारा इन दिनों लगातार अपने सांसद निधि से जनपद के ग्राम प्रधानों को सीसी रोड बनाने के लिए प्रस्ताव पर जिलाधिकारी को पत्र लिखा जा रहा था, जो करीब 652 ग्राम प्रधानों को सांसद निधि से प्रत्येक ग्राम सभा में 200 मीटर की सीसी रोड बनाने का पत्र लिखा गया था और वह पत्र ग्राम प्रधानों के माध्यम से जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पर जमा भी किया गया था। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा अब सांसद गाजीपुर को जिलाधिकारी की तरफ से एक पत्र लिखकर बताया गया है कि उनकी निधि में पैसा नहीं है, बावजूद इसके ऑफलाइन पत्र भेजा जा रहा है, जबकि भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव के लिए पूर्व से ही पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से ही किसी भी तरह का प्रस्ताव सांसद के द्वारा प्रशासन को भेजा जाना है। इसको लेकर जिलाधिकारी अरका अखौरी ने और क्या बताया, आइए जानते हैं। चाहूंगी कि माननीय सांसद जी की सांसद निधि जो है उसमें विगत लगभग 10-12 दिन से सांसद जी की लेटर पैड पे 652 कार्यों का प्रपोजल आया है, जो सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं और हम लोगों ने सांसद जी को एक पत्र लिखा है जो 28 फरवरी को मेरे कार्यालय से निर्गत हुआ है, पत्र संख्या 2945। उसमें हमने माननीय सांसद जी को अवगत कराया है कि जो इधर 10-12 दिन में से प्रस्ताव आए हैं उसके सापेक्ष धनराशि सांसद निधि में उपलब्ध नहीं है देने के लिए, और जो धनराशि उपलब्ध थी सांसद जी की उसके सापेक्ष ऑलरेडी कार्य प्रस्तावित किए जा चुके थे उनके द्वारा और उसकी प्रक्रिया चल रही है, और उन कार्यों में धनराशि निर्गत करने के बाद हमने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है और अभी धनराशि आने की प्रतीक्षा है। वर्तमान में इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि वर्तमान में भारत सरकार ने ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है और जितने भी प्रस्ताव माननीय सांसदों के अब आएंगे वो ऑनलाइन ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही आएंगे, तो जो ऑफलाइन प्रस्ताव माननीय सांसद जी के आए हैं उनको अवगत कराया गया है पत्र के माध्यम से कि कृपया इसको ऑनलाइन विधा से भेजें और धनराशि के अगेंस्ट भेजें, उपलब्ध धनराशि के अगेंस्ट, जो कि अभी वर्तमान में उनकी निधि में उपलब्ध नहीं है। तो ये जो मैनुअल, ये पुराना तरीका है, इसमें इस तरह से पहले सांसद लोग प्रस्ताव दिया करते थे, अब ऑफलाइन कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा और हमने ये सांसद जी को अवगत करा दिया है कि अब ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजें और उसमें उन कार्यों में निहित जो एस्टिमेट हो जिसका कार्य हो वो भी इंडिकेट करें। वर्तमान में जो सांसद दिया जाए उसमें कोई भी धनराशि नहीं लिखी हुई है, सिर्फ कार्य का वर्णन है, तो हमने ये बताया कि कृपया उसमें धनराशि भी इंडिकेट करें, कितने का कार्य कराना चाहते हैं और उसको ऑनलाइन पोर्टल पे ही करें, और अभी हम प्रत्याशा में हैं धनराशि प्राप्त होगी तभी ये कार्य स्वीकृत हो पाएंगे। और इसमें कार्यदायी संस्था का चयन जिलाधिकारी के स्तर से होता है, तो जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी ऑनलाइन प्रस्ताव आएंगे उसके बाद उसका परीक्षण कराकर कार्यदायी संस्था मेरे द्वारा या जो भी जिलाधिकारी होंगे उनके द्वारा नामित की जाएगी। एक सांसद जो प्रस्ताव आए हैं सांसद जी के उसमें ग्राम पंचायतों के कार्य लिखे गए हैं कि इस ग्राम पंचायत में यहाँ से यहाँ तक की सड़क, ये प्रस्ताव लिखा गया है, लेकिन कोई धनराशि उनके द्वारा मेंशन नहीं की एग्जैक्टली, जिसके वजह से एस्टिमेट को लेकर के भी असमंजस है कि कितने का कार्य कराया जाए। इसका ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी गई है कि जितनी भारी संख्या में प्रस्ताव आए हैं उतनी धनराशि उनके पास उपलब्ध नहीं है और जो भी प्रस्ताव उनको देने हैं वो ऑनलाइन माध्यम से देने होंगे, ये सभी चीज़ें माननीय सांसद जी को अवगत करा दिया है।